हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम चैट विद सोनिया। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बच के अपने घर पे रह कर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि NIOS ने अपनी डेट शीट को अनाउंस कर दिया है। नेट पे सभी जगह ये डेट शीट आ गई है। डेट शीट आए को 3-4 डेज हो गए हैं। मतलब पहले ये था कि फेक न्यूज़ है, बट अभी फाइनल हो गया है कि डेट शीट आपकी यही रहने वाली है। तो डेट शीट के अंदर जैसा कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के अंदर, थंबनेल के अंदर, या फिर आपने जहाँ पर भी डेट शीट के बारे में सुना होगा, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट है। 17 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट है। और इस बार क्या हुआ है, आपके एग्जाम कब खत्म हो जाएंगे, 13 अगस्त को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। पहले क्या होता था, आपको एग्जाम में बहुत ब्रेक मिलता था, एक एग्जाम में 3 डेज 4 डेज 5 डेज का ब्रेक मिलता था। बट इस बार क्योंकि वायरस की वजह से, मतलब ज्यादा ब्रेक ना देते हुए एग्जाम को जल्दी कंडक्ट करवाने की कोशिश की उन्होंने। तो हो सकता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो बीच में आर्ट्स के सब्जेक्ट आने की वजह से आपको थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। अदरवाइज जो एग्जाम है वो बहुत ही रेगुलर है, मतलब जैसे 17, 18, 19, 20 इस तरह से एग्जाम है। संडे का बीच में ब्रेक मिल रहा है एक तो आपको, और बहुत रेयर दूसरे ब्रेक्स मिल रहे हैं। तो आपको प्रिपरेशन पहले आप करते थे एग्जाम में, प्रिपरेशन मतलब जैसे कि अगर आपका 17 को एग्जाम है, उसके बाद आपका होता था 22 या 25 को, तब आप बीच में चैप्टर्स को या अपने सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते थे। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके पास 40 टू 45 डेज का टाइम है। 40 टू 45 डेज में आपको रेगुलर ही अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप कोई भी दिन इसके अंदर मिस नहीं कर सकते। अगर आप एक भी दिन अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा लूज छोड़ते हैं तो आपको ये इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान होगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत रेयर होगा। उस टाइम आपकी रिवीजन हो जाए वही बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। सोल्यूशन क्या है कि हम आपका NIOS का सिलेबस मैं काफ़ी आपका हद यहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगी। साइंस का मैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का सिलेबस करवाने की कोशिश करूँगी। 10th क्लास का अगर मैं बात करूँ, 10th की मैं साइंस और मैथ्स करवा रही हूँ, और 12th क्लास में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स करवा रही हूँ। और अगर आप कोई भी 10th से रिलेटेड हो या 12th क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट हो तो, और आपके कितने भी फ्रेंड्स हैं जो NIOS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको YouTube पे बहुत रेयर वीडियोस मिलेगी। 2-4 वीडियोस है जिनमें बस सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करके छोड़ दिया है, तो वो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं एक हेल्प करने के तौर पर आपके लिए वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट आए कि मैम प्लीज़ वीडियो डालिए, वीडियो डालिए। तो अब मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो को ना, मैं जैसा कि बोलते हैं हमेशा, हार्ड वर्क से पहले आपको स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करनी है, और करना भी है आपको। तो स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, सबसे पहले आपने ऐसे नहीं करना कि कोई भी 12th क्लास की बायोलॉजी की वीडियो मिली और उसको आपने देख लिया, ऐसे नहीं करना। आपको कोई भी सब्जेक्ट की सबसे पहले समझना होगा कि आपको डेट शीट को, कि आपके एग्जाम कब कब है। तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि मेरे पास 30 डेज है, 40 डेज है, 50 डेज है या 60 डेज है। अगर आपका मान लीजिए एग्जाम अगस्त में है तो आपके पास 50 से अबव ज्यादा डेज हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम है कब, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी डेट शीट। सेकेंड स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका सिलेबस का। तो सिलेबस आपको चेक करना पड़ेगा। सिलेबस को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, नेट भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाली हूं। आज जो वीडियो लेके आई हूं मैं, वो डेट शीट पे लेके आई हूं। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मेरी आपके सिलेबस के ऊपर। हर सब्जेक्ट का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कंटेंट के ऊपर, मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज हम सब कुछ करने वाले हैं। और लास्ट के दिनों में, जैसे कि आपके 17 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है, तो 8 या 10 जुलाई के आसपास हम करेंगे सभी के पेपर्स डिस्कस, जो 10 इयर्स के पेपर उठा लेंगे। तो आपको इससे पेपर में कैसे लिखना है, कैसे बैठना है, क्या टाइम मैनेज करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन सबका आपको आइडिया मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोज़ फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप 70% प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे। बट कंडीशन ये है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। बहुत कम वीडियोज़ अवेलेबल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर भी करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे आपकी डेट शीट। डेट शीट मैंने सभी के लिए है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जैसे भी डेट शीट है, जैसे भी एग्जाम है, सभी को लिए है। यहाँ पे मेरा डेट शीट डिस्कस करने का मेथड क्या था, या मेरा मोटिव क्या था डेट शीट डिस्कस करने का, क्योंकि आपके डेट शीट में ना सिर्फ ये टाइम दिया हुआ है 2:30 to 5:30। आपके बहुत से ऐसे एग्जाम है जो सिर्फ 2 आवर्स के होने वाले हैं या 1 आवर 30 मिनट का होने वाला है। तो इसलिए मैंने टाइमिंग के साथ आपको थोड़ा डेट शीट को समझाने की कोशिश की है। जैसे अगर मैं बात करूँ 17 जुलाई, जैसे मैंने वहाँ भी मैंशन किया था 17 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो फर्स्ट जो एग्जाम होगा आपका फ्राइडे को होगा, 17 जुलाई को एग्जाम होगा फर्स्ट एग्जाम। और आपके कौन कौन से एग्जाम होंगे 17 जुलाई को, साइंस वालों के लिए फिजिक्स का एग्जाम होगा, 312 कोड है,
17 जुलाई को फिजिक्स का एग्जाम होगा। बाकी स्टूडेंट जिनके पास लाइब्रेरी साइंस है उनका लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का एग्जाम होगा। बाकी स्टूडेंट के पास आर्ट्स वालों का हिस्ट्री का एग्जाम होगा और दूसरे स्टूडेंट का संस्कृत व्याकरण का एग्जाम होगा। तो ये चार एग्जाम होने वाले हैं। जो भी आपका एग्जाम है, जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अपने 17 जुलाई के आगे फिजिक्स नोट कर लीजिए, आर्ट्स के स्टूडेंट तो हिस्ट्री नोट कर लीजिए, लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो लाइब्रेरी, इस तरह से आप अपनी डेट शीट को नोट करें। तो फिजिक्स का एग्जाम होगा, लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम होगा, हिस्ट्री का एग्जाम होगा, संस्कृत का एग्जाम होगा और आप संस्कृत व्याकरण का एग्जाम होगा। कोड नंबर आप अपने मैच कर लीजिए, ये कोड नंबर के एग्जाम होंगे। टाइमिंग आपको जो मिलेगा 3 आवर्स का टाइम मिलेगा कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो इनमें से। सेकंड जो एग्जाम होगा नेक्स्ट डे ही एग्जाम होगा आपका, नेक्स्ट एग्जाम रहेगा 18 जुलाई को। किन किन का एग्जाम होने वाला है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होने वाला है 350 कोड का, वही 3 आवर्स का। अगर आपके पास इन्वायरमेंट साइंस है तो उसका एग्जाम होने वाला है 333 कोड नंबर है, उसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी वीडियो डेली अपलोड करती हूँ, 3 लाइव क्लास लेती हूँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। तो वो क्लासेस सिर्फ कॉम्पिटिशन वालों के लिए नहीं है, NIOS के जो स्टूडेंट हैं जिनके 10 या 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वो क्विज ही है एक तरह का साइंस का। तो आप अपना सिलेबस देखें, उसके अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक अगर चल रहा है उस पर क्विज चल रहा है तो आप जरूर अटेंड करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा इन्वायरमेंट साइंस का जो पेपर है, इन्वायरमेंट साइंस में भी आपके 12 टू 15 नंबर के क्विज आएगा और इसी के ऊपर आपकी 9 जून ट्यूसडे को 2020 इन्वायरमेंट साइंस के ऊपर, इन्वायरमेंट साइंस एंड इकोलॉजी के ऊपर मैं आपकी 350 प्लस क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, मतलब अबाउट 350 से 400 क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लेने वाली हूँ। तो वो आपका बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा, इन्वायरमेंट साइंस के जो स्टूडेंट है उसमें भी हेल्प करेगा। तो जरूर वो लाइव क्लास देखें, 9 जून को वो क्लास आने वाली है, टाइम टेबल कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो मंडे को एग्जाम होगा, नेक्स्ट आपका संडे का ब्रेक आ जाएगा 19 जुलाई का, मंडे को 20 जुलाई को जो जिस स्टूडेंट के पास साइकोलॉजी है तो मंडे को 20 जुलाई 2020 को आपका साइकोलॉजी का एग्जाम होगा। 328 कोड है और आपको इसके लिए भी टाइम कितना मिलने वाला है, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा इसके लिए भी आपको। नेक्स्ट एग्जाम आपका जस्ट उसके बाद होगा ट्यूसडे को 21 जुलाई को, वो होगा आपका उर्दू लैंग्वेज का एग्जाम। जिन स्टूडेंट के पास उर्दू है 306 कोड नंबर है उनका एग्जाम रहेगा, उनको भी टाइम कितना मिलेगा, 1 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे, 2:30 से लेके 4 o'clock तक उनके पास टाइम है। सिर्फ फिर सिर्फ उनको कितना टाइम मिलने वाला है, 1 आवर 30 मिनट उनको इसके अंदर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम देखिए आपका कितना है, उर्दू वालों के लिए जो टाइम रहेगा आपका वो ये थोड़ा सा यहाँ पे 2 आवर टू 5:30 ही रहेगा आपका टाइम। वन सेकेंड रुकिए, ये आपका जो टाइम है वो इतना ही रहेगा, सेम 3 आवर्स का ही आपका पास टाइम रहेगा। ये गलत लिखा गया, मेंशन गलत हो गया, 3 आवर्स का ही टाइम मिलेगा। उर्दू हिंदी जो भी ये लैंग्वेज रहती है इनको 3 आवर्स का ही टाइम मिलता है। नेक्स्ट आपका वेनेसडे का 22 जुलाई को एक जो एग्जाम रहेगा संस्कृत का, नेक्स्ट संस्कृति का एग्जाम है जो उसका, उसके भी आपको 3 आवर्स का ही टाइम मिलेगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। मेरे अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट से ज़्यादा अगर आप नोट करेंगे, क्योंकि ये सारे मिक्स एग्जाम हैं, जो जो भी आपके एग्जाम है उसमें से नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट कौन से एग्जाम होने वाले हैं, ये हमने सिर्फ डिस्कस किए हैं 22 जुलाई से 23 जुलाई 24 25 आके कौन से एग्जाम होने वाले उसको डिस्कस करते हैं। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। नेक्स्ट आपका रहेगा 6th एग्जाम, जो कि आपका होने वाला है थर्सडे को, यानी 23rd जुलाई को आपका किसका एग्जाम होने वाला है, 23rd जुलाई को होगा आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन का एग्जाम। डाटा एंट्री ऑपरेशन का एग्जाम रहेगा आपका, इसमें आपको टाइम जो मिलेगा 2:30 to 5:30, यानी कि 3 आवर्स का ही आपको टाइम मिलने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम रहेगा आपका फ्राइडे को 4th जुलाई 2020। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उन 5 एग्जाम का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका थर्सडे को 23rd जुलाई को, डाटा एंट्री ऑपरेशन का एग्जाम रहेगा। टाइमिंग आपका वही 3 आवर्स आपको टाइम मिलने वाला है, बहुत टाइम आप आराम से इसको बैठ के एग्जाम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम रहेगा आपका फ्राइडे को, नेक्स्ट ही डे है 24 जुलाई को। ये इसमें इस दिन काफ़ी एग्जाम होने वाले, 5 एग्जाम इस दिन होंगे। आप देख लीजिए आपका कौन सा एग्जाम है। अगर जैसे आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा 317 कोड के साथ,
मास कम्युनिकेशन का होगा 335, मिलिट्री स्टडीज का होगा 374 कोड के साथ, संस्कृत साहित्य का होगा 348 के साथ। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा एग्जाम है। अगर आपके पास साइंस है तो जैसे आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, अगर आर्ट्स है, कॉमर्स है, या जो भी अलग से आपको स्ट्रीम कर रहे हैं, तो ये 5 एग्जाम होने वाले हैं। तो अब आप अपना एग्जाम नोट कर सकते हैं, ये होने वाले हैं 24 जुलाई, फ्राइडे को ये एग्जाम होने वाला है, 24 जुलाई फ्राइडे को। टाइम आपको इस एग्जाम को लिखने के लिए मिलेगा 3 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, मंडे को यानी कि फ्राइडे आपको 2 डेज़ का ब्रेक मिल गया, सैटरडे का ब्रेक मिल गया, संडे का ब्रेक मिल गया। 2 डेज़ के ब्रेक के बाद मंडे को 27 जुलाई को 25-26 का ऑफ रहेगा, 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिनके पास मैथ्स है। तो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम रहेगा आपका, वो होने वाला है आपका नेक्स्ट 311 कोड के साथ, 3 आवर्स का एग्ज़ाम मिलेगा आपको। 3 आवर्स मिलेंगे, 3 आवर्स में आपको ये एग्ज़ाम ख़त्म करना है। तो ये थे आपके कुछ एग्ज़ाम, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम डिस्कस करते हैं 9th, 10th, 11th नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारे। यस गाइस, तो 8 एग्ज़ाम हमने डिस्कस कर लिया, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब हम डिस्कस करके आपका 9th एग्ज़ाम। 9th एग्ज़ाम होने वाला आपका ट्यूसडे को, 28 जुलाई 2020 को। इसमें भी आपके 5 एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट देख लेना। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बायोलॉजी का, कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी का, अकाउंट का एग्ज़ाम होने वाला है, बायोलॉजी का कोड 314, अकाउंट का कोर्स कोड 320, लास्ट के जो स्टूडेंट है उनका होने वाला इंट्रोडक्शन टू लॉ 338, और मिलिट्री का मिलिट्री हिस्ट्री 375, और वेद का वेद अध्ययन का होने वाला है 345। टाइमिंग आपका वही रहेगा 2:30 to 5:30, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर से। 3 आवर्स में आप अपना एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका वेनेसडे को एग्ज़ाम होगा, वेनेसडे को आपका एग्ज़ाम रहेगा 29 जुलाई को आपका। इसके अंदर आपको 28 को एग्ज़ाम था, उसके बाद 29 को एग्ज़ाम है। तो कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे इस दिन? कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का एग्ज़ाम होगा, साइकोलॉजी SS का एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद या फिर आपका भारतीय दर्शन, इनका एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग आपको वही मिलेगा, 3 आवर्स मिलेंगे देखने के लिए, एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो ये थे आपके एग्ज़ाम, 10 एग्ज़ाम हमने डिस्कस कर लिए। अब 11th देखिए आपका किसका एग्ज़ाम होगा, तो इससे पहले आप अपना एग्ज़ाम नोट कर। यस गाइस, तो अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं 10 एग्ज़ाम्स के बारे में, 10 एग्ज़ाम्स तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 11th एग्ज़ाम की तरफ, जो कि वेनसडे को होने वाला है, वेनसडे यानी 29 जुलाई को। 29 जुलाई को आपका एग्ज़ाम रहेगा इंग्लिश का, जो कि हर किसी में ही होता है, साइंस में भी होता है, आपका आर्ट्स कॉमर्स सब में ही होता है। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम रहेगा आपका 302 कोड के साथ आपका, वही 3 आवर्स आपको टाइमिंग ही इसके अंदर मिलने वाला है। नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा आपका थर्सडे को, आपका 30 जुलाई को, थर्सडे वेनसडे के बाद थर्सडे, नेक्स्ट डे ही होगा आपका हिंदी का एग्ज़ाम 301 कोड के साथ, और आपका टाइमिंग वही 3 आवर्स रहेगा। और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला आपका 13th जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 4 अगस्त को। कब होने वाला आपका? 4 अगस्त को होने वाला है। ये जो एग्ज़ाम रहेगा वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड रहेगा, जैसे कि आपके पास बंगाली, तमिल, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, अरबिक, या पर्शियन, या मलयालम, जो भी लैंग्वेज है इन लैंग्वेजेस का एग्ज़ाम होगा, और आपको टाइम मिलने वाले हैं 2:30 to 5:30 तक मिलेगा आपको टाइम, यानी कि 3 आवर्स कंप्लीट मिलेंगे। तो ये थे आपके 13 एग्ज़ाम तक हमने डिस्कस कर लिए, 4 तो आपके होने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देखिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा आपका वेनसडे को, 5 अगस्त को 2020 को, होम साइंस का। वेनसडे को यानी कि 14th नंबर जो एग्ज़ाम है आपका, वेनसडे को रहेगा 5 अगस्त को। अब ये आपका एग्ज़ाम रहेगा होम साइंस का, 321 इसका कोड रहेगा आपका, और 2:30 to 5:30, 3 आवर्स का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें, आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा वेनसडे के जस्ट बाद थर्सडे को, 6 अगस्त को, वो एग्जाम रहेगा आपका ज्योग्राफी का। टाइमिंग आपका सेम ही रहेगा, 316 कोड है, टाइमिंग आपका सेम रहेगा 2:30 to 5:30, यानी कि 3 आवर्स के अंदर आपको इस एग्जाम को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका 16th नंबर है फ्राइडे को, फ्राइडे को एग्ज़ाम होगा थर्सडे के जस्ट बाद फ्राइडे को, 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, 318 कोड रहेगा, 2:30 to 5:30, 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका 17th एग्ज़ाम रहेगा मंडे को, 10th अगस्त 2020 को, 10th अगस्त को होगा आपका पेंटिंग का थ्योरी एग्ज़ाम होगा, जिसका कोड नंबर है 332। इस एग्ज़ाम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो टाइम मिलने वाला है वो 1 hour 30 minutes का टाइम मिलने वाला है, 1 घंटा 30 मिनट के में आपको ये एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आप अगर नेट पे डेटशीट देखेंगे तो बहुत कम जगह टाइमिंग मेंशन है, आपको सिर्फ ऊपर टाइमिंग मेंशन है कि 2:30 to 5:30 में आपके सारे एग्ज़ाम होंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं, जैसे पेंटिंग वाला भी आपने एग्ज़ाम देखा,
कि इसका जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स का नहीं है, उसका टाइम कितने का होगा, 1 आवर 30 मिनट का होगा। जो बच्चे ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हैं शायद उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, जो फर्स्ट बार NIOS से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा टाइमिंग का। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव यही है कि आप टाइम ढंग से नोट करें, अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाएँ, इसलिए मैंने आपका यहाँ पर टाइमिंग हर एग्ज़ाम का अलग से मैंशन किया है। तो अगर आप पेंटिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा पेंटिंग के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 18 एग्ज़ाम की, 11 अगस्त 2020 को जो एग्जाम होने वाला है, 11 अगस्त को होगा आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होगा और इसका कोड नंबर रहेगा आपका 319 और आपका इसमें आपको मिलने वाले हैं 3 आवर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कंप्लीट 3 आवर्स मिलेंगे। 2:30 आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 5:30 आपका एग्जाम का टाइम ओवर हो जाएगा। तो 3 आवर्स में आपको एग्जाम ये कवर करना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 19th नंबर एग्जाम होगा आपका थर्सडे को, एक दिन का ब्रेक मिल जाएगा। 13 अगस्त को ये आपका एग्ज़ाम होगा, ये रहेगा टूरिज्म का एग्ज़ाम। तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टूरिज्म का ये एग्ज़ाम रहेगा, इसका कोड नंबर है 337। 19th एग्ज़ाम है, ये कब होने वाला है शायद आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा, ये होने वाला है आपका 13 अगस्त को। 13 अगस्त लास्ट जो एग्ज़ाम रहेगा आपका, ये टूरिज्म का एग्ज़ाम होने वाला है 13 अगस्त को और आपका जो टाइमिंग रहेगा इसके अंदर वो 3 आवर्स का रहेगा। टाइमिंग रहेगा आपका 2:30 to 5:30, टाइमिंग आपका रहेगा 2:30 to 5:30 PM, मतलब 3 आवर्स का आपको इसको टाइम मिलेगा। तो ये थे आपके एग्ज़ाम की जो लिस्ट, जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। और अब रही सिलेबस की बात या डेटशीट की बात, डेटशीट मैंने आपसे सारी कंप्लीटली डिस्कस कर ली है, कोई मैंने एग्ज़ाम नहीं छोड़ा है। हर एग्ज़ाम 19 एग्ज़ाम है आपके टोटल, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या कोई भी आपके पास स्ट्रीम हो, साइंस हो आपके पास, तो सभी के एग्ज़ाम मैंने इंक्लूड किए, साइंस वालों के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, और भी कोई स्टूडेंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो भी सभी के एग्ज़ाम इसके अंदर इंक्लूड आ गए। सभी का टाइमिंग मैंने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर जो अब बात कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं 12th क्लास वालों के कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे या मैथ्स पे कुछ कंटेंट दे दीजिए या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो डोंट वरी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी का मैं आपको पहले सिलेबस बताऊँगी और उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले कंटेंट के लिए, मतलब जो आपका पूरा सिलेबस है, कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस करने की। अगर पूरा सिलेबस नहीं हो पाया तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम करेंगे। टाइम हमारे पास बहुत है, 45 डेज मिनिमम है हमारे पास, तो 5 डेज़ के अंदर आपका सिलेबस हो जाएगा शायद कवर, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, जो कुछ आपके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं आप, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। लास्ट के 10 या 5 डेज़ में आपकी सीरीज चलेगी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर जो आपके एग्ज़ाम है उनको उठाएं, क्वेश्चंस देखें, सिलेबस देखें। आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहें, जैसे कि आज आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद वाली वीडियो जस्ट जरूर देखें, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है। सेकेंड थिंग, आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में क्या है। कई बार हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक रैंडमली पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है ये टॉपिक हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो सिलेबस अपडेट जो होता है वो आपको जरूर चेक करें। कई बार कोई टॉपिक पिछले साल होता है और इस साल टॉपिक वो ना हो, तो इसलिए आपको सिलेबस को जरूर चेक करना है। तो इसकी ये थी हमारी डेटशीट से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि NIOS के बहुत रेयर चैनल है जो वीडियोस अपलोड करते हैं, एक दो वीडियोस अपलोड करके छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं टाइम की वजह से या और कोई भी रीज़न हो सकता है। बट मेरा आपसे यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल दूं, तो इसलिए शेयर जरूर करें ताकि हर बच्चे तक ये वीडियोस पहुंचे। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कंटेंट की वीडियोज़ के बाद आनी शुरू हो जाएगी, इसके बाद आपकी डेट शीट, सिलेबस, और उसके बाद आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको पहली वीडियो मिलने मिलेगी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले सिलेबस और मॉड्यूल समझ लीजिए मेरे से क्या है, उसके बाद आपको कंटेंट इजीली समझ आना शुरू हो जाएगा। और मैं जैसा कि हर बार बोलती हूँ, आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। इस बात का मतलब क्या है, बहुत से बच्चे मैम पूछते हैं मेरे से, मैम कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क कैसे करें, आप बोलते हो स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो स्मार्ट वर्क होता है आपका इतने वाइड सिलेबस में से, आपका ऐसा नहीं है कि सारे सिलेबस में से एग्जाम आता है, सारे सिलेबस में से, पर ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से 50 to 60% आपका एग्जाम आता है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर देखिए, उसमें से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपका सिलेबस बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है जिसपे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी आप भी देखिए, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी। हेल्प के लिए मैं आपका क्या करूंगी, लास्ट के 10 डेज में हमारे एग्जाम के, मतलब अबाउट 17
जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 जुलाई से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करेंगे, ताकि आपको भी आइडिया लग पाए कि एग्जाम किस तरह से आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिलेबस को डिस्कस, उसके बाद करेंगे हम कॉन्टेंट को डिस्कस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, ताकि आप डेट शीट को अच्छे से समझ पाएँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।